लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो जो टॉपिक हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं ये एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं, और एनाटॉमी को जैसा मैंने कहा था पहले भी कि हम लोग मान बैठते हैं कि बहुत टफ टॉपिक है ना, और इसको हम लोग को रट लेना चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा, फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूँ कि एनाटॉमी हो, मॉर्फोलॉजी हो, पूरी बॉटनी की जहाँ तक बात है, इस पर रटने लायक बहुत कम बातें हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों को अगर हम समझते हैं तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए, कल जिन टॉपिक को हमने ख़त्म किया था वो था मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। आज जो टॉपिक हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम पहले क्या होता है इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो फिर से वो डायग्राम जो हमने पहले बनाया था, एक डायकॉट के स्टेम का डायग्राम, वो बड़ा सा एक डायग्राम हमने बनाया था। इसमें बाहर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग हो रहा है, या तो वो स्टेम का कवरिंग हो, या रूट का कवरिंग हो, या लीफ का कवरिंग हो, इस कवरिंग को, आउटर मोस्ट कवरिंग को नाम हम लोग रखे एपिडर्मिस। तो अब इसमें जितने टिश्यू हैं इन सबको मिला के हमने कहा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या कहा हमने, टर्म फिर से आप भी बोलिए, क्या कहा हमने, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब आप देखें इसको, शब्दों को ध्यान से देखें, एपी मतलब होता है एबव, और डर्म मतलब होता है स्किन, है ना। इसका मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट स्किन वाले सिस्टम को कह रहे हैं। अब प्लांट के आउटर मोस्ट पोर्शन से एक प्लांट के पास गए और प्लांट से पूछे व्हाट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेयर इट इज लोकेटेड। प्लांट से पूछ रहे हैं कि प्लांट ये बताओ तुम्हारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहाँ पे है और हम किसको देखेंगे। तो प्लांट ने जवाब दिया कि द पोर्शन यू आर टचिंग, जिस पोर्शन को तुम टच कर रहे हो, छू रहे हो, जो पोर्शन तुमको अभी दिख रहा है, क्योंकि हम लोग जब एक प्लांट को देख रहे हैं तो उसके बाहर वाले पोर्शन को देख रहे हैं, दिस ऑल आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्लांट ने क्या कहा, प्लांट ने कहा जिस पोर्शन को तुम देख पा रहे हो बिना काटे, प्लांट ने कहा कि मुझे बिना काटे जिस पोर्शन को तुम देख पा रहे हो, चाहे वो रूट का पोर्शन हो, या वो स्टेम का पोर्शन हो, या वो ब्रांच हो, या लीफ हो, या फ्रूट्स हो, जो दिख रहा है वो कौन सा पोर्शन है, एपिडर्मल। क्यों, एपी मतलब एबव, क्योंकि यही आउटर मोस्ट लेयर आप देख पा रहे हैं। अंदर की चीजों को देखने के लिए हमें काटना पड़ेगा, स्टेम को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये आउटर मोस्ट लेयर है। किस चीज का, तो प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर को। तो हमने कहा इस टिश्यू सिस्टम का नाम रखा गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और जाइलम और फ्लोएम एक वैस्कुलर बंडल के अंदर दिखा रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम के इस वैस्कुलर बंडल को हमने नाम दिया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। फिर से बोलो, हमने क्या क्या बताया बच्चों, पहले आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और जो वाटर और फूड को कंडक्शन कर रहा है उसका नाम क्या रखें, उसका नाम हमने रखा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, या हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो ये थर्ड पार्ट है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और फर्स्ट पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब इनके बीच में, मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये बाहर वाला पोर्शन और ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इनको छोड़ के ये जो बाकी के पोर्शन हैं इनको कहा गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या क्या कहा बच्चों, हमने इनका नाम रखा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अब जरा फिर से रिकॉल करो और बताओ, टिश्यू सिस्टम कितने तरह का हुआ, बाहर से हम लोग एक प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रॉम आउटसाइड वी आर ऑब्जर्विंग ए प्लांट, एक प्लांट तुम्हारे सामने खड़ा है, बाहर तुम जिन जिन पोर्शन को छू पा रहे हो, किसको छू पाए, स्टेम के बाहर के पोर्शन को छुए, है ना, ब्रांच के बाहर के पोर्शन को छुए, फ्रूट के बाहर के पोर्शन को छू रहे हो, पत्ते के बाहर ऊपर और नीचे के पोर्शन को छू रहे हो, जिन पोर्शन को तुम छू रहे हो वो कौन सा टिश्यू सिस्टम है, ऑफ कोर्स वो बाहर, एपी मतलब एबव, डर्म मतलब स्किन, वही है आउटर मोस्ट लेयर जिसका नाम हम लोग क्या रखे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। हम लोग एकदम सीधी सीधी बात कर रहे हैं,
प्लांट के बाहर को, बाहर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्लांट में जो पोर्शन वाटर और फूड को कैरी कर रहा है उस टिश्यू सिस्टम का नाम क्या रखेंगे, वैस्कुलर, क्योंकि वो वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम दिख रहा था, हमने इसका नाम रखा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इन दोनों के बीच में जितने भी टिश्यू होंगे एपिडर्मिस के नीचे, है ना, ये दिखा रहे हैं एंडोडर्मल सेल, फिर उसके अंदर ये सारे टिश्यू को हम लोग एक नाम दे देंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो जब हम लोग टिश्यू सिस्टम की बात बोलेंगे तो तुम्हारे पास तीन टिश्यू सिस्टम दिख रहा होगा, कौन कौन सा दिख रहा होगा, पहले का नाम रखे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरे का नाम रखे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरे का नाम रख रहे हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, द सीक्वेंस ऑफ टिश्यू सिस्टम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। क्वेश्चन देखो क्या बताया मैंने, क्वेश्चन बताया द सीक्वेंस ऑफ टिश्यू सिस्टम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और ऑप्शन देगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दूसरा ऑप्शन दे देगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और तीसरा ऑप्शन होगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सीक्वेंस पूछा है बच्चों, जब सीक्वेंस पूछा और क्या पूछा, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो सबसे अंदर कौन है, सबसे अंदर हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर मिल रहा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसीलिए इस सीक्वेंस में नॉर्मल सीक्वेंस यही रहता हमारा, बाहर की तरफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद वाले को ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और कंडक्टिंग टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का नाम दिया गया। अब सबसे पहली बात, हम लोग अब एक एक करके तीनों टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे। अगर हम लोग टिश्यू सिस्टम को ठीक से पढ़ेंगे तो हम लोगों को हेल्प लेना पड़ेगा, किस चीज का हेल्प लेना पड़ेगा, प्लांट में रूट और स्टेम के एनाटॉमी को देखना पड़ेगा, तब हम एनाटॉमिकल सेक्शन काटेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, तब हम सही सही बता पाएंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। इसका मतलब ये कोरिलेटेड टॉपिक होगा, कैसा टॉपिक होगा, किस चीज से इसको कोरिलेट कर रहे हैं हम लोग, एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम और एनाटॉमी ऑफ लीफ से कोरिलेट करते हैं, तो सच मानों में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को समझ पाते हैं। और फिर उन्हीं तीनों सिस्टम को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को भी समझ पाएंगे। तो हम लोग अभी दोनों तरह से पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर को अलग अलग पढ़ें, और फिर जब एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लीफ की बात होगी तो फिर वहां पर हम लोग इन चीजों को रिपीट करेंगे। तो हमारा अब दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इन सबको मिला के क्या नाम दे दिए, इन सबको मिला के नाम दिए टिश्यू सिस्टम। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टिश्यू सिस्टम। और सबसे पहले स्टार्ट किए, बाहर वाले को नाम दिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो नाम लिखें एपिडर्मल और टिश्यू सिस्टम को शॉर्ट में लिख दिए TS। दूसरे टिश्यू सिस्टम का नाम रखें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड TS शॉर्ट में लिख दिए, और तीसरे सिस्टम का नाम रखें वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम VS। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम लोगों को समझना है, सबसे पहले एम्ब्रियोनिक किस लेयर से ये बना। तो जिस समय हम लोग एनाटॉमी की शुरुआत किए थे हमने एम्ब्रियोनिक लेयर बताया, और एम्ब्रियोनिक लेयर में तीन लेयर की चर्चा किए थे। पहले लेयर का नाम बताए थे डर्मेटोजेन, और नाम बताए थे कि नाम का मतलब क्या है, डर्म मतलब स्किन और जेन मतलब जनरेट करना। जिस एम्ब्रियोनिक लेयर से स्किन जनरेट होगा उसका नाम डर्मेटोजेन, और एपिडर्मिस क्या है, एपी मतलब क्या बताए, एबब, और डर्म का मतलब क्या बताए, स्किन। तो हमने क्या कहा, स्किन विल बी जनरेटेड फ्रॉम नेचुरली डर्मेटोजेन। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिराइव्ड फ्रॉम डर्मेटोजेन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। जिस समय मेरिस्टमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, उस समय एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो तीन लेयर था उनमें पहले लेयर का नाम रखे थे डर्मेटोजेन, दूसरे लेयर का नाम रखे थे पेरिब्लेम, और तीसरे लेयर का नाम रखे थे प्लेरोम। तो ये जो सेकेंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर, ये तीन लेयर का तीन फ्यूचर में काम था। एम्ब्रियोनिक लेयर में इसको कहे डर्मेटोजेन, जो सेल डिवाइड करके बाद में बाहर के लेयर को बनाया, स्किन ऑफ द प्लांट बनाया,
और स्किन ऑफ द प्लांट को हम लोगों ने नाम दिया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो पहला पॉइंट जो मेडिकल में आ सकता है वो ये है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम, तुम्हारा ऑप्शन होगा डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लेरोम। आंसर क्या दोगे? डर्मेटोजेन। फिर हमने बताया इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। जेन मतलब टू जनरेट, प्रोड्यूस करना, बनाना। किसको बनाएगा ये? डर्म मतलब क्या बताए थे? स्किन, है ना। तो डर्म का मतलब स्किन को बनाने वाले उस एम्ब्रियोनिक लेयर का नाम दे दिए डर्मेटोजेन। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम किस से। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं ना, तो सोचना शुरू किए कि ये कहां से बना। तो किसी भी चीज की शुरुआत में कहीं ना कहीं से वो बनेगा। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया ये कहां से बना। तो आंसर हमको क्या मिला? ये एम्ब्रियोनिक लेयर के डर्मेटोजेन से बना। तो ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। और ये क्या बनाया? तो हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब जरा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं, ये कहां और कैसे दिख रहा था। तो हमने क्या कहा, जब हमने प्लांट से पूछा कि प्लांट टेल मी वेयर इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो प्लांट ने क्या कहा? प्लांट ने कहा, महेश सर व्हाट एवर यू आर ऑब्जर्विंग, सर आप जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देख रहे हैं। मतलब जिस पोर्शन को प्लांट का देख रहे हैं, जिस पोर्शन को प्लांट का छू रहे हैं, वो कौन सा पोर्शन है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांच, ब्रांच से पत्ते, सबको जरा छू रहे थे। तो पत्तों में स्टोमाटा को छोड़ के बाकी कोई भी जगह पे डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही थी। हम लोग ये कहेंगे ना कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज ए कॉन्टिन्यूअस लेयर, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस लेयर है। नीचे से लेके शुरू करेंगे स्टेम, स्टेम से ब्रांच, ब्रांच से लीफ, तो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस लेयर। लेकिन जब पत्ते को ऑब्जर्व करते हैं तो लीफ में हमको छोटा छोटा टाइनी पोर दिख रहा होता है ना। ये जो छोटा छोटा पोर होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। क्या नाम है इसका? स्टोमाटा। तो अब हम लोगों के पास एक स्टेटमेंट आया, एक मेडिकल का फिर क्वेश्चन बना। पूछता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज, पहला ऑप्शन देता है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लेयर, सेकेंड ऑप्शन देता है इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर, और ऑप्शन लास्ट में रहता है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लेयर एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा। क्योंकि स्टोमाटा क्या करता है? स्टोमाटा तो जगह जगह पे वो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, वो छोटा छोटा टाइनी पोर है, स्मॉल पोर है, जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपायर हो रहा है। मीनिंग बाय ट्रांसपिरेशन इज टेकिंग प्लेस थ्रू स्टोमाटा। अब हम इसको यूं कहें कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अगर स्टोमाटा नहीं होता तब तो 100% कंटिन्यूअस होता, लेकिन स्टोमाटा के प्रेजेंस के चलते ये जगह जगह पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज ए कंटिन्यूअस, कहां पे? एक्सेप्ट स्टोमाटा। ये भी मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है ना। चीजों को समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। तो एपिडर्मल कैसा लेयर होगा? तो हमने कहा कि ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होगा। दूसरी बात क्या बताए, लेकिन कॉन्टिन्यूटी कहां पे ब्रेक करेगी? तो पत्ते में या ऊपर के एरियल पोर्शन में, कभी कभी स्टेम के एरियल पोर्शन में जो ग्रीन इन कलर होता है वहां भी स्टोमाटा पाया जाता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि इट इज ए कॉन्टिन्यूअस लेयर एक्सेप्ट एट द स्टोमाटा, स्टोमाटा को छोड़ के ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है। फिर हम लोग देखते हैं इसका अरेंजमेंट, देखो ये एक सेल खत्म हुआ, दूसरा सेल शुरू हुआ, दूसरा सेल खत्म हुआ, तीसरा सेल शुरू हुआ, इन सेल्स के बीच में एपिडर्मल टिश्यू में कोई भी स्पेस नहीं दिखा रहे हैं। इसका मतलब हुआ दे आर क्लोजली फिटेड। कैसे फिटेड है? बिल्कुल क्लोजली फिटेड है, एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड है, इतना क्लोजली अटैच्ड है कि इन दोनों सेल के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेस हम लोग समझ चुके हैं, दो सेल के बीच के गैप को क्या कहते हैं? इंटर मतलब बीच में, सेलुलर मतलब सेल। तो दो सेल के बीच के स्पेस को हम लोग क्या नाम दिए थे? इंटरसेलुलर स्पेस। और यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इस तरह से अरेंज है, क्लोजली फिटेड है कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। तो टर्म हो गया दे आर, टर्म क्या यूज किए, दे आर क्लोजली फिटेड, और क्या नहीं मिला, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं मिल रहा है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस किए? पहला डिस्कस किए कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहां से डिराइव हुआ। आंसर क्या देंगे हम लोग, एम्ब्रियोनिक लेयर के
डर्मेटोजेन से, कहां से, एम्ब्रियोनिक लेयर के डर्मेटोजेन से ये डिराइव हुआ। दूसरा पूछे ये कहां मिला, तो बोले इट इज ए कंटिन्यूअस लेयर, कहां से कहां तक, फ्रॉम स्टेम टू ब्रांच लीफ फ्रूट्स एंड वॉट एवर पोर्शन वी आर ऑब्जर्विंग, जो भी पोर्शन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो द पोर्शन विच इज बींग ऑब्जर्व, द पोर्शन विच इज बींग टस्ड बाय वी पीपल, द पोर्शन वॉट वी आर ऑब्जर्विंग इन ए प्लांट, इन सारे पोर्शन के बारे में कह रहे हैं, जो दिख रहा है प्लांट में, जो दिख रहा है वो क्या है, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर क्लोजली फिटेड। अब इसका अरेंजमेंट हम लोग देख रहे थे ना, तो क्या देखे, ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इतना कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है कि इनके बीच के स्पेस की बात ही खत्म हो गई, देर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब हम लोग इसके लेयर को देखना शुरू करते हैं, तो मोस्टली क्या देखते हैं, मोस्टली ये सिंगल एक लेयर का बना हुआ है, लेकिन मेडिकल में 2004 के पहले का ये दो तीन क्वेश्चन आया हुआ है, ये BHU में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मल्टीपल एपिडर्मिस क्वेश्चन पूछा था। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, मल्टी मतलब होता है मेनी, तो नॉर्मली तो हम लोग कहते हैं कि ये एक ही लेयर का बना हुआ है, एपिडर्मल टिश्यू कैसा है, एक ही लेयर का बना हुआ, लेकिन विद सर्टेन एक्सेप्शन कुछ प्लांट्स ऐसा था जहां पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लेयर का बना हुआ था। हम लोगों ने टर्म यूज किया इसके लिए, एक नया टर्म बनाया और वो टर्म था मल्टीपल एपिडर्मिस। टर्म क्या है, मल्टीपल एपिडर्मिस। तो पहले ये समझे व्हाट इज मल्टीपल एपिडर्मिस। नॉर्मली हम लोग क्या दिखा रहे हैं, एक सिंगल लेयर दिखा रहे हैं एपिडर्मिस का, और नॉर्मली यही मिलता है सारे प्लांट्स में, लेकिन कुछ ऐसा प्लांट भी मिला जहां पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एक नहीं एक से ज्यादा लेयर का दिख रहा था। एक से ज्यादा लेयर के लिए हम लोगों ने कौन से शब्द का प्रयोग किया, हमने कहा मल्टीपल एपिडर्मिस, तो द टर्म इज मल्टीपल एपिडर्मिस। अब कहां कहां मिला, जो प्लांट मिल रहा है ना इसको हम लोग बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर रहे हैं। पहला है इंडियन रबर प्लांट, है ना, कहां मिला, इंडियन रबर प्लांट। दूसरा बैनियन, इसको हम लोग बरगद भी कहते हैं, है ना, और ओलियंडर। ये तीन इंपॉर्टेंट प्लांट का नाम हम लोगों ने घेरा। कौन कौन से प्लांट का नाम घेरा, देखो फिर से इसको, इंडियन रबर प्लांट, ये नाम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो पहला हो गया व्हाट इज मल्टीपल एपिडर्मिस, ये क्लियर हो गया। जब हमने मल्टीपल एपिडर्मिस की बात कही तुमको ये समझ में आ गया होगा कि व्हेन एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड, बट व्हेन मोर देन वन लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज प्रेजेंट वी कॉल इट मल्टीपल एपिडर्मिस। मल्टीपल एपिडर्मिस कब कहते हैं, जब एक से ज्यादा लेयर का एपिडर्मल टिश्यू मिल रहा हो, और ऐसा कहां कहां मिला। दो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, एपिडर्मिस आर दे देगा सिंगल लेयर्ड, और दूसरा ऑप्शन रहेगा सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड, तो मेरा ऑप्शन दोनों हो जाएगा सिंगल लेयर्ड एंड मल्टी लेयर्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन को चेंज किया और पूछा यूजुअली एपिडर्मिस आर, अब जैसे यूजुअली वर्ड आ गया मतलब कॉमन बात पूछ रहा है, जब यूजुअली वर्ड नहीं था तो दोनों मेरे पास ऑप्शन हो गया, है ना, और जब यूजुअली नहीं पूछ रहा है तो दोनों ऑप्शन है, लेकिन अगर यूजुअली शब्द आ गया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स मेरा आंसर ये होगा They are single layered. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस किसका मिलता है, सिंगल लेयर्ड का मिलता है। तीसरी बात हम लोग आते हैं, तो ये थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, पहला हम लोग देखे किससे डिराइव हुआ, है ना, और कैसे अरेंजमेंट था, मोस्टली सिंगल लेयर्ड कैसा था, ज्यादातर सिंगल लेयर्ड। किन किन प्लांट में ये सिंगल लेयर नहीं था, तो हमने कहा इंडियन रबर प्लांट पहला, दूसरा देखो और बताओ रिकॉल करो, तीन नाम तुमको बिल्कुल याद रखना है, कौन कौन सा, हम लोग हमने कहा बैनियन का प्लांट, ओलियंडर का प्लांट और इंडियन रबर प्लांट। फिर से रिकॉल करो क्या क्या बताया मैंने, इंडियन रबर प्लांट एक, बैनियन का प्लांट बरगद का पेड़ दो, और थर्ड ओलियंडर का प्लांट। इन तीनों ही केस में मोर देन वन लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज प्रेजेंट, और जब मोर देन वन लेयर ऑफ एपिडर्मिस मिलता है हम लोग इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल एपिडर्मिस का नाम दिए। अब हम लोग आते हैं नेचर में, क्वेश्चन आ गया फिर कि एपिडर्मल टिश्यू तो मेरे पास कैसा होगा, क्योंकि जब हम लोग टिश्यू की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था टिश्यू में भी पेरेन्काइमा, अगर ये मेरिस्टमेटिक है तो पेरेन्काइमा होगा, कोलेन्काइमा होगा या स्केन्काइमा होगा, और या तो परमानेंट है तो ये पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा और स्केन्काइमा होगा, और नहीं तो ये मेरिस्टमेटिक होगा।
तो ये कैसा होगा हमको ये देखना है। हमने कहा ये ज्यादातर पेरेन्काइमा का बना है। किसका बना है? मोस्टली दे आर पेरेन्काइमेटस इन नेचर। जब परमानेंट टिश्यू को हम लोग पढ़ रहे थे तो इसी तीन कैटेगरी में इसको पढ़े, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्रेन्काइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़े थे। फिर जब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़े तो जाइलम और फ्लोएम हमारा एग्जाम्पल आया था। और जब स्पेशल टाइप ऑफ हम लोग टिश्यू को पढ़ रहे थे तो उनमें हमने लेटिसिफेरस टिश्यू की बात की, लेटेक्स की बात की, मिल्की लेटेक्स की बात की। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ज्यादातर किसका बना होगा? पेरेन्काइमेटस टिश्यू का। तो अब हमको पेरेन्काइमा तुम रिकॉल करो, जब भी ये शब्द आए तुम रिकॉल करो कि पेरेन्काइमा के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो पेरेन्काइमा के बारे में बताए थे दे आर आइसोडायमेट्रिकल, दे आर थिन वॉल्ड, दे आर लिविंग। तो ये सारे बातों को फिर से रिपीट नहीं करना है, बट जब भी एक शब्द आता है तुम उस शब्द को रिकॉल करो कि तुम उसके बारे में क्या क्या जानते हो। ये सबसे अच्छा तरीका होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें तुम रिटेन कर पाओगे। तो दे आर पेरेन्काइमेटस, दे हैव लार्ज वैक्यूल फिल्ड विथ सेल सैप। अब हम लोग वैक्यूल की कहानी बताना शुरू करते हैं। वैक्यूल एक्चुअली क्या है? तुम्हारे सबके घर में एक डस्टबिन होगा, है ना? तो बच्चों तुम्हारे रूम में डस्टबिन मम्मी क्यों रखी है? क्योंकि तुम लोग जो पेपर फाड़ते हो, है ना, पेंसिल छीलते हो और जितना भी कुरकुरे खाते हो उन सबको कहां डाल दिया जाए? उन सबको उस डस्टबिन में डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे रूम का वेस्ट है, तो तुम अपने रूम के वेस्ट को कहां डालते हो? डस्टबिन में। सेल भी जब काम कर रहा होता है ना तो यहां भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को सेल वैक्यूल, एक सेल के अंदर में स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहें वैक्यूल, उस वैक्यूल में डंप कर देता है। तो वैक्यूल को हम लोग क्या कह सकते हैं? डंपिंग स्टेशन। वैक्यूल को क्या कह सकते हैं? डंपिंग स्टेशन, एक सेल के अंदर वैक्यूल में। और उस वैक्यूल के अंदर जब हमने देखा, ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, तो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिख रहा था। उस लिक्विड का नाम रखा गया सेल सैप। क्या नाम रखा गया उसका? सेल सैप। तो ये लिक्विड का नाम रखा गया। ये दो क्वेश्चन मेडिकल में बहुत बार आ चुका, व्हाट इज सेल सैप और वेयर सेल सैप इज प्रेजेंट। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सेल सैप इज प्रेजेंट इनसाइड वैक्यूल। सेल सैप वैक्यूल के अंदर दिख रहा है। कहां दिख रहा है सेल सैप? सेल सैप वैक्यूल के अंदर दिख रहा है। ये समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके? इसका नेचर डिस्कस कर चुके और हमने कहा दे हैव लार्ज वैक्यूल, इनमें वैक्यूल बहुत वेल डेवलप हो चुका है और उस वैक्यूल के अंदर जो कंटेंट है वो सेल सैप के फॉर्म में है, एक लिक्विड है जो ट्रांसपेरेंट है। फिर हम लोग आते हैं सेल मे कंटेन। अब हम देखो यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स का नाम दिखा रहे हैं, एंथोसायनिन और दूसरा दिखा रहे हैं क्रोमोप्लास्ट, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बट नो क्लोरोप्लास्ट। क्या नहीं मिला? यही क्वेश्चन पूछता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब तुमको लगता होगा पत्ता तो ग्रीन है, अब जरा सोचो और इस क्वेश्चन पे क्या क्या कंफ्यूजन आता है, कहां 100% गलती होने की संभावना है। क्वेश्चन पूछा क्लोरोप्लास्ट आर ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव और ऑन द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट। अब तुम सोचने लगे कि आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, पत्ते का भी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस कहलाया। तो तुम सोचने लगे ना कि एपिडर्मिस, पत्ता तो ग्रीन दिख रहा है और ग्रीन किसके चलते होता है? तुमको पता है कि ये क्लोरोफिल के चलते होता है। तो तुम्हारे दिमाग में पहला जो आंसर आएगा कि सच में ये पत्ते के सरफेस, पत्ते का ऊपर का सरफेस ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब क्लोरोफिल ऊपर के सरफेस पे है, ऐसा तुम्हारे मन में आएगा। लेकिन जो मन में आया वो गलत आया। बहुत अच्छे से समझो, पत्ते के अपर सरफेस पे ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं है, बल्कि पत्ते के मिडिल में, बीच में जो उसका ग्राउंड टिश्यू है ना, वहां पे वो ग्रीन कलर का ए पिगमेंट मिल रहा है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कभी भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में नहीं मिलता है, विथ सम एक्सेप्शन, सिर्फ जब हम लोग स्टोमाटा के गार्ड सेल की बात करेंगे तो वहां पर दिखाएंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पत्ते में छोटा छोटा पोर होगा, उस पोर का नाम क्या रखे थे? उस पोर का नाम रखे थे स्टोमाटा। हर एक स्टोमाटा के दोनों तरफ उसको गार्ड करता हुआ एक सेल होगा,
अगर हम लोग स्टोमाटा ऐसे बना दें यहां पे, ये स्टोमाटा है, तो ये जो पोर्शन है इसका नाम है गार्ड सेल, है ना। तो ये गार्ड सेल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ही स्टोमाटा मिलता है, इसीलिए स्टोमाटा को पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम माना गया। क्या माना गया? पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर चीजों को अच्छे समझना है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, उस पत्ते के आउटर मोस्ट लेयर पे जगह जगह पे छोटा छोटा पोर है, उस छोटे छोटे पोर को हम लोग कौन सा नाम दिए, उस छोटे छोटे पोर को हमने नाम दिया स्टोमाटा। क्या नाम दिया? स्टोमाटा। और स्टोमाटा को गार्ड करने के लिए दो सेल है, उसके दोनों तरफ दो सेल है, उस सेल का नाम रखा गया गार्ड सेल। क्या नाम रखे उसका हम लोग? गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर तो क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब ये इसलिए हम लोग कह रहे हैं बार बार कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या नहीं मिलता है। नॉर्मली पूरे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कहीं भी क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, दूसरे कलर का पिगमेंट मिल सकता है, जैसे यहां पर हमने टर्म लिखा एंथोसायनिन, है ना, और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है कलर, कलर पिगमेंट को क्रोमो कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं अगर, और एंथोसायनिन भी कलर पिगमेंट है। तो ये डिफरेंट कलर का पिगमेंट मिल सकता है, लेकिन ग्रीन कलर का क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। क्या कहा हमने? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में रूट में नहीं मिलता, स्टेम में भी नहीं मिलता, पत्ते में भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्लोरोफिल नहीं मिलता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, समझना है, इस पे क्वेश्चन आएगा और इसमें गलतियां होती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कहीं नहीं मिल रहा, हम लोग कह रहे हैं कि कहीं कहीं पे मिलेगा। और कौन सी जगह पे मिलेगा? स्टोमाटा के दोनों तरफ जो गार्ड सेल होता है वहां पे क्लोरोफिल मिलेगा। कहां पे मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा गार्ड सेल में। फिर हम लोग आते हैं, सेल मे कंटेन एंथोसायनिन और क्रोमोप्लास्ट, है ना। सेल में क्या मिल सकता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के सेल में अलग अलग कलर का पिगमेंट मिल सकता है, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? बट नो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। फिर यहां पे लिखे एक्सेप्ट इन गार्ड सेल, तो हम लोग कह सकते हैं पूरे एपिडर्मिस में क्या नहीं मिला? क्लोरोफिल नहीं मिला, बट एक्सेप्शन इज गार्ड सेल। और फिर हम लोग आते हैं एपिडर्मल सेल सून डाई ऑफ, एपिडर्मल टिश्यू का जो फ्यूचर होता है ना वो ये कि वो धीरे धीरे वो डाई हो जाता है, मर जाता है, और अब इसके बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे टैनिन, जैसे सिलिका का पार्टिकल, जैसे गम्स, है ना, इन चीजों का इसमें डिपोजिशन हो जाता है। तो हम लोग क्या डिस्कस किए? एपिडर्मल सेल सून डाई ऑफ, जल्दी ही इसका डेथ हो जाता है, और डेथ होने के बाद एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, एपिडर्मिस में कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे टैनिन, जैसे गम्स, है ना, और जैसे सिलिका का पार्टिकल्स, इन चीजों का डिपोजिशन हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं कहां पे, अब एपिडर्मिस को ध्यान से देखना है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ना, ये व्हाइट वाला जो बना रहे हैं, इसमें ये इसका आउटर वॉल है, इसको रेडियल वॉल बोले और इसको इनर वॉल बोले। अब जरा सा सोचो, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एक प्लांट धूप में खड़ा है, कहां पे खड़ा है? धूप में खड़ा है। हम लोग जब धूप में बाहर निकलते हैं तो गर्मी के दिनों में अपने को बचाने के लिए, अपने फेस को खराब ना हो, हम लोग चेहरे पे क्या लगाते हैं? सन स्क्रीन लोशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सन स्क्रीन लोशन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सन के रे का हार्मफुल इफेक्ट हमारे स्किन पे ना पड़े। अब सनस्क्रीन लोशन हम लोग कहां से जाते हैं? हम लोग अच्छी अच्छी दुकानों से खरीद आते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों का मिलता है। अब जरा सोचो, हम तो घंटे दो घंटे के लिए धूप में निकलते हैं, है ना, एक आध घंटे जब जरूरत पड़ती है तभी निकलते हैं, अगर जरूरत ना पड़े तो हम लोग धूप में जाए ना, बिल्कुल घर में बैठे रहे, है ना। और धूप में जब बाहर निकलते भी हैं, बाजार कोई जरूरी काम से जाते भी हैं, तो कोशिश क्या करते हैं कि थोड़े ही देर के बाद आसपास कोई एटीएम मिलता है तो उसमें घुस जाते हैं पैसा निकालने। नहीं नहीं नहीं, पैसा निकालने नहीं, बल्कि एसी का आनंद लेने, है ना, तो एटीएम में चले जाते हैं। लेकिन जरा प्लांट के बारे में सोचो, ऐसी गर्मी में बेचारा प्लांट, गर्मी के दिनों में जरा राजस्थान की बात सोचो, है ना, जहां पे करीब करीब टेम्परेचर 49, 50, 51 डिग्री तक हो जाता है ना,
कुछ कुछ शहरों में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ऐसे शहरों में हम एक घंटे के लिए निकलते हैं तो बहुत सी तैयारी करके जाते हैं, कोशिश करते हैं कि मुंह को हम लोग कवर अप कर लें, कोशिश करते हैं कि एसी में जाएं, कोशिश करते हैं कि एसी में रहें, और बहुत पानी पी लेते हैं ताकि बॉडी से डिहाइड्रेशन नहीं हो, और पूरे इस बॉडी को कवर अप करते हैं कि सन का हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे ना पड़े। अब जरा सोचो प्लांट अपने को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ऐसी ही गर्मी में प्लांट सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह पे खड़ा रहता है। हम लोगों को जब ज्यादा गर्मी लगती है हम लोग दौड़ के एटीएम में घुस जाते हैं, दौड़ के किसी के दुकान में चले जाते हैं, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन प्लांट के पास तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, बेचारा उस गर्मी में खड़ा है। तो बचने के लिए इस स्कॉर्चिंग रे से प्लांट ने एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन किया। अब जरा ध्यान से देखना, ये एपिडर्मिस का इनर वॉल है, अंदर वाला वॉल है, और इसको कहते हैं रेडियल वॉल। इन दोनों वॉल में नहीं, और ये नाम है अपर वॉल। तो अपर वॉल के जस्ट नीचे एक थिक वैक्सी लेयर का डिपोजिशन ये करना शुरू कर देता है। इसके नीचे अपर लेयर है ना, उसके जस्ट नीचे से एक थिक वैक्सी लेयर का डिपोजिशन कर रहा था। और ये जो वैक्सी लेयर है वो दो तरह का केमिकल हो सकता है, आइदर सुबेरीन हो सकता है और क्यूटीन हो सकता है। अगर क्यूटीन का डिपोजिशन हो गया तो अब हम लोग कहते हैं इसको क्यूटिकल, और प्रोसेस का नाम देते हैं क्यूटिनाइजेशन। और अगर सुबेरीन का डिपोजिशन हो गया तो टर्म यूज करते हैं सुबेराइजेशन। क्या क्या टर्म यूज किया हमने, क्यूटिकल का अगर अपीयरेंस हो गया, क्यूटीन नामक वैक्सी लेयर का डिपोजिशन हो गया, तो अब एपिडर्मिस को कहने लगे क्यूटिकल, और इस प्रोसेस का नाम क्या रखे, क्यूटिनाइजेशन। जबकि सुबेरीन जैसे केमिकल कंपाउंड का अगर डिपोजिशन हो गया तो अब नाम क्या रखे, सुबेराइजेशन। तो क्या हुआ, देखो इनर एंड रेडियल वॉल ऑफ एपिडर्मिस आर थिन, इनर और रेडियल वॉल थिन है। जरा ध्यान से देखो, इनर वॉल ये है और रेडियल वॉल ये दोनों तो थिन है, यहां पर डिपोजिशन नहीं हुआ। किस जगह पर डिपोजिशन हुआ, वाइल आउटर वॉल, बाहर का जो वॉल है ना, जो सन रे को फेस कर रहा था, सन रे को फेस कर रहा था, आर थिक, ये बहुत थिक है। क्यों थिक है, क्योंकि इसमें किसी ना किसी वैक्सी लेयर का अंदर से डिपोजिशन हो गया। ये तुम बाहर से देख रहे हो ना, ये अंदर से डिपोजिशन हो गया है। किस चीज का, वैक्सी लेयर का। क्यों, क्योंकि प्लांट को बचाना है किससे, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन, बहुत तेज जो गर्मी आ रही है ना उससे बचाना है। द क्यूटिनाइज्ड लेयर आर कॉल्ड क्यूटिकल। अब जो ये क्यूटिकल का डिपोजिशन हो गया, ये लॉस ऑफ वाटर है ना, किन किन चीजों से देखो प्लांट को बचा रहा था, पहले तो स्कॉर्चिंग रे जो बहुत तेज रोशनी आ रही थी, बहुत तेज गर्मी आ रही थी उससे बचा रहा था। दूसरा, प्लांट के बॉडी के अंदर से पानी वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो अगर एक वैक्सी लेयर हम लोग लगा दिए तो वेपर का निकलना कम हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ वाटर को कम करना। इसको तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, एक पेपर ले लो, पेपर के उसमें पेपर में इंक डालो, तो इंक तुम्हारा पेपर के दूसरी तरफ भी दिखने लगेगा आ गया। अब उसी पेपर के कुछ पोर्शन पे वैक्स मोम को घस दो, और अब जरा सब डालो तो उस मोम के ऊपर में या नीचे वाले लेयर में मोम लगा दो पेपर के, और ऊपर से डालो तो ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ, पानी का ट्रांसपिरेशन अगर एक वैक्सी लेयर होगा तो ये उस मूवमेंट को रोक देगा। इसका मतलब है कि ये बेसिकली लॉस को रोक रहा था। कौन, क्यूटिकल का प्रेजेंस अगर है तो बॉडी से प्लांट के पानी जो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वेपर कम निकले इसीलिए देयर इज ए वैक्सी लेयर। क्यों कम निकले, फिर इस बात को समझो, अगर हम गर्मियों में लगातार धूप में घूमते हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसा देखे होगे, बहुत गर्मी में लू लग गई और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, पानी पसीना बहुत निकल गया, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। प्लांट के साथ भी ऐसा ही होता है, प्लांट के बॉडी से लॉस ऑफ वाटर कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पानी निकल गया तो पानी की कमी के चलते प्लांट का डेथ हो सकता है, इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए वो एक वैक्सी लेयर का डिपोजिशन कर दिया। तो क्यूटिकल के लेयर का डिपोजिशन, एक वैक्सी लेयर का डिपोजिशन क्या किया, प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा था कि
किससे किससे, अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, और फिर हम लोग बताते हैं अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, और ये तीसरा टर्म होगा अगेंस्ट पोटेंशियल पैरासाइट। हम लोग टर्म यूज करते हैं पोटेंशियल पैरासाइट। अब तीनों बात को फिर समझो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का यहाँ पे फंक्शन हम लोग दिखा दिए है ना, इन फंक्शन को हम लोग फिर बताएंगे। मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, एपिडर्मिस के चारों तरफ थिक क्यूटिकल हो गया तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का थिकनेस क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक पतला चीज जितना प्रोटेक्शन करेगा उससे ज्यादा प्रोटेक्शन एक मोटा चीज करेगा, बिल्कुल क्लियर है ये। तो एपिडर्मिस में जब वैक्सी लेयर का डिपोजिशन हो गया तो इसका थिकनेस क्या हो गया, बढ़ गया। अब एक पतला पेपर था, तुम उसको ऐसे मारे तो फट गया, लेकिन एक मोटा कूट था, तखत था, है ना, अब इसको मारे तो क्या ये टूटा, नहीं। इसका मतलब जितना ये थिक होगा उतना ही ज्यादा मैकेनिकल प्रोटेक्शन करेगा, क्या करेगा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन करेगा। और पैरासाइट पूरे एनवायरमेंट में, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो प्लांट को अटैक करता रहता है, इसको कहते हैं पोटेंशियल पैरासाइट। और उनमें से कुछ डिजीज क्रिएट कर सकता है, जो डिजीज क्रिएट करता है उसको तो कहते हैं पैथोजेनिक। पैथो मतलब डिजीज, जेनिक मतलब जनरेट करने वाला, तो हम लोग ऐसे पैरासाइट को क्या कहते हैं, पैथोजेनिक। अगर वो बैक्टीरिया है तो कहेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और चूंकि बैक्टीरिया या वायरस बहुत छोटा होता है, हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं माइक्रोब, माइक्रो मतलब स्मॉल, है ना, चूंकि ये माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं हम लोग ये कॉमन टर्म यूज करते हैं माइक्रोब्स। क्या टर्म यूज करेंगे, तो कहते हैं कि व्हेन ए थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल इज प्रेजेंट, जब एपिडर्मिस के अंदर थिक लेयर है तो ये सन रे से बचा रहा है, दूसरा मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है, और तीसरा पोटेंशियल पैरासाइट से भी बचा रहा है। तो ये हमारा फंक्शन हो रहा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। एपिडर्मल सेल में अब हम लोग देखना शुरू किए, कई प्लांट के सेल के बाहर कुछ हेयर के समान आउटग्रोथ दिख रहा था। तुम एक कॉमन प्लांट अपने घर में देखे होगे, उसका नाम है लेडी फिंगर या भिंडी का पेड़, ध्यान से देखे होगे, या हम लोग कहते हैं खीरा या कद्दू या कदीमा जिसको हम लोग कहते हैं ना, लौकी, इसके पेड़ को ध्यान से देखो, क्या देखते हैं, स्टेम के बॉडी से पतला पतला छोटा छोटा हेयर निकला हुआ है। अब जब कभी एपिडर्मल बॉडी से आउटग्रोथ हेयर के समान निकले, हम लोग इसको कहते हैं ट्राइकोम। क्या कहते हैं इसको हम लोग एक टर्म यूज किए, ट्राइकोम शब्द हम लोग पिछले क्लास में भी समझाए थे, अब फिर हम लोग रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज ट्राइकोम, हेयरी स्ट्रक्चर, प्लांट के स्टेम के बॉडी से निकलने वाले किसी भी हेयरी स्ट्रक्चर को हम लोग एक शब्द दिए, ये टेक्निकल वर्ड है, इसका नाम है ट्राइकोम। तो हेयर लाइक आउटग्रोथ इज टर्म एज ट्राइकोम। क्या नाम हो गया, फिर से रिपीट करो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बहुत से प्लांट से इसके बॉडी से आउटसाइड हेयरी आउटग्रोथ निकल रहा है। अब हम लोग उस हेयरी स्ट्रक्चर के नेचर को देखते हैं तो क्या क्या पाते हैं, कुछ सेल में, कुछ प्लांट में ये एक ही सेल का बना हुआ है, तो टर्म यूज किए दे मे बी यूनिसेलुलर। अगर हम लोग यूनिसेलुलर की बात करें तो हम लोग कहते हैं रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। कौन सा चीज यूनिसेलुलर है, रूट का हेयर। अभी हम लोग एनाटॉमी जब शुरू करेंगे, एनाटॉमी में एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम और एनाटॉमी ऑफ लीफ डिस्कशन करेंगे, तब हम लोग उसके रूट को दिखाएंगे कि रूट से निकलने वाला रूट हेयर यूनिसेलुलर है, और समझाएंगे रीजन कि क्यों यूनिसेलुलर है, जबकि स्टेम के बॉडी से निकलने वाला हेयर मल्टीसेलुलर है। फिर ये भी समझना है कि रूट हेयर क्यों यूनिसेलुलर और स्टेम का हेयर क्यों मल्टीसेलुलर। तो फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि ट्राइकोम और हेयरी स्ट्रक्चर में भी यूनिसेलुलर और इट मे बी मल्टीसेलुलर, दोनों तरह का हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, हेयर सॉफ्ट भी हो सकता है और बहुत शार्प भी हो सकता है, स्ट्रांग भी हो सकता है। तो हेयर के बारे में चार बातें जान गए हम लोग। सबसे पहले उस हेयर को किस नाम से जानते हैं, तो पहला हम लोग टर्म यूज किए ट्राइकोम। क्या शब्द यूज किए, ट्राइकोम। फिर हम लोग क्या बताया, हेयर कैसा होगा, एपिडर्मिस के बॉडी से निकलने वाला हेयर या तो एक सेल का बना होगा तो टर्म यूज करेंगे यूनिसेलुलर, और अगर एक से ज्यादा सेल का बना होगा तो टर्म यूज करेंगे मल्टीसेलुलर। हमने दो एग्जांपल बताया,
और बताया कि ये रीजन भी एक्सप्लेन करना है, रूट्स हेयर आर ऑलवेज यूनिसेलुलर वेयर एज शूट्स हेयर आर ऑलवेज मल्टीसेलुलर। सो द रीजन बिहाइंड इज कि रूट हैज टू एब्जॉर्ब वाटर। रूट का काम क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करना। अगर ये मल्टीसेलुलर होता तो पानी के आने के डायरेक्शन में रुकावट होती। क्या होती? पानी के आने के डायरेक्शन में, हम एक डायग्राम यहां बनाते हैं, सपोज करो ये रूट हेयर है ना, अगर ये पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है और मान लो कि ये मल्टी सेलुलर होता है तो क्या पानी इजीली अंदर आ पाता? यहां पे रुकता, यहां रुकता, यहां रुकता, और पानी को आना है सेल के अंदर। इसीलिए रूट हेयर हमेशा कैसा होता है? हमेशा रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। और शूट हेयर का काम होता है ट्रांसपिरेशन के रेट को चेक करना। क्या काम होता है? ट्रांसपिरेशन के रेट को चेक करना। इसीलिए शूट हेयर आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। जितना ज्यादा शूट में क्या होता है, बॉडी से पानी बाहर जाता है, जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतना पानी कम जाएगा। और यही टारगेट है, प्लांट का टारगेट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और ट्रांसपिरेशन। लेकिन क्या जितना पानी वो एब्जॉर्ब किया सारा पानी ट्रांसपिरेशन से निकल जाए? नहीं, कुछ ही पानी निकले, बाकी का पानी उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक, इस बात को ऐसे समझ सकते हो, क्या तुम जितना पापा जितना कमाते हैं सब खर्च कर देना चाहिए? नहीं, इनमें से कुछ पैसे को जरूरी खर्च जो है वो तो करेंगे और कुछ पैसे को बचाएंगे भी। ठीक उसी तरह से रूट जितना पानी खींचता है क्या सारे पानी का ट्रांसपिरेशन होना चाहिए? नहीं, खींचना इज अर्निंग और बाहर निकलना, ट्रांसपिरेशन इज एक्सपेंडिचर, पानी को बचाना भी है। तो प्लांट क्या किया? पानी को बचाता था। कैसे? शूट हेयर्स बिकम मल्टी सेलुलर, इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को ये चेक कर रहा था। फिर हम लोग आते हैं एपिडर्मस में भी स्टिंगिंग हेयर। एपिडर्मिस में नुकीला चुभने वाला हेयर मिल सकता है। एक प्लांट है ना, इसका नाम है नेटल्स। इसके पत्ते को अगर हम लोग बॉडी के स्किन पे रगड़ देना तो ये पूरा ईचिंग होने लगता है, थोड़ी देर में पूरे हाथ में रेडिश लाल हो जाएगा, क्योंकि उसके पत्ते में ना क्या था, स्टिंगिंग हेयर था। जो हेयर जैसे ही लगाए हम लोग पत्ते को, वो चुभ गया स्किन के अंदर, और उसमें कुछ ग्लैंड था जो टूट गया, और कुछ केमिकल सब्सटेंस था जो स्किन में पहुंचा और इरिटेशन करने लगा। इसको हम लोग खुजाने वाला पत्ता भी कहते हैं। ये पत्ता अगर बॉडी में, स्टेम बॉडी में कहीं भी टच हो जाए तो ये बहुत तेजी से खुजाना शुरू करता है, तो इसको कहा गया स्टिंगिंग हेयर। उसके अलावे ग्लैंडुलर हेयर भी मिलता है। ये दो एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं, बोरेविया और टोबैको। तंबाकू और बोरेविया के प्लांट में कुछ ग्लैंडुलर सिक्रीशन वाला हेयर भी मिलता है। तो ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं, ये फिर एग्जाम्पल हमने बताया कि 2007 के पहले ये मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग जो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं और जहां पे एम्फेसिस दे रहे हैं, इसमें दो ट्रेंड है। पहला ट्रेंड ये है कि जो 2007 के बाद के क्वेश्चंस हैं उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और फिर 2000 के पहले, 7 के पहले के जो क्वेश्चन है ना, उस समय जब सिलेबस बहुत एग्जॉस्टिव था, उनमें से जो क्वेश्चंस आया हुआ है उन क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आप मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो ना, तो कई बार रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो अगर रिपीटेशन की बात होगी तो जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं अगर हम लोग उनको टच कर लें पढ़ाई के क्रम में, तो वो क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। तो ये जो पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि एपिडर्मिस में स्टिंगिंग हेयर किस में मिलेगा। क्वेश्चन आ सकता है स्टिंगिंग हेयर इज प्रेजेंट इन, आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेटल्स। दूसरा हम लोग क्या कहें, ग्लैंडुलर हेयर कहां मिलेगा? तो दो प्लांट का नाम बताए, टोबैको एंड बोरेविया में ग्लैंडुलर हेयर मिलेगा। और फाइनली ये जो एग्जांपल दे रहे हैं, ए डेंस कोटिंग ऑफ हेयर है ना, नेफेलियम प्लांट में डेंस कोटिंग ऑफ हेयर मिल रहा था। मतलब अगर हम लोग प्लांट को देखें, ये इसका पत्ता है, पूरे के बॉडी में ऐसे डेंस कोटिंग ऑफ हेयर दिख रहा था। ये जितना स्ट्रक्चर दिख रहा था, निडल लाइक मिलना, स्टिफ हेयर्स का मिलना, इसका पर्पस बहुत क्लियर था। इसका पर्पस था प्लांट को प्रोटेक्ट करना, किससे? ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल से। एक जानवर आता है, गाय आती है और घास को खा लेती है,
गाय को कोई हरा हरा पत्ता दिखेगा तो उसको भी खा लेगी, अगर इस पत्ते में कांटा हो तो गाय कभी खाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर इस पत्ते में हेयरी स्ट्रक्चर हो तो क्या गाय खाएगी? कभी नहीं खाएगी। इस बात को ऐसे समझो कि जब डेंस कोटिंग हेयर मिलता है तो कभी कभी हम लोग रोटी खा रहे होते हैं और रोटी में मम्मी के हेयर्स कभी कभी एक दो चले आते हैं, है ना? अगर मुंह में वो रोटी का टुकड़ा आता है तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत उसको फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो हेयरी स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, अगर कोई ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल उसको खाता है तो उसके मुंह में वो हेयर टच करता है, और ज्यों ही ये हेयरी स्ट्रक्चर उसके मुंह में आता है ये अनकंफर्टेबल फील करता है और उस पूरे खाने को फेंक देता है और फिर उसको रिकॉग्नाइज भी कर लेता है। हम लोग तो दोबारा गलती करते भी हैं, जानवर कभी दोबारा गलती नहीं करते हैं। अगर उसके किसी भी जनरेशन को ये पता चल गया इस प्लांट को खाना हार्मफुल था, तो अब उसके किसी भी जनरेशन में कोई भी दूसरा कैटल उस प्लांट को नहीं खाएगा। हम लोगों से इस मामले में जानवर बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं, है ना? उनके फैमिली को टीच किया जाता, सिखाया जाता कि कौन से प्लांट को खाना है और कौन से प्लांट को नहीं खाना है, और वो हमेशा अपने पेरेंट्स को ओबे करते हैं, कभी भी ट्राई नहीं करते हैं कि उनकी मम्मी समझा दी ये प्लांट मत खाना बच्चों, और मम्मी उधर चली गई जरा खा के देखते हैं, है ना? ऐसा वो लोग कभी नहीं करते हैं। मीनिंग भाई, हेयरी स्ट्रक्चर वाले प्लांट को कोई कैटस नहीं खाता है, निडल और स्टिफ हेयर वाले बॉडी को प्लांट को कोई कैटस नहीं खाता है। इसका मतलब ये जो पार्ट हम लोग देख रहे थे ना, ये किस चीज के लिए बना हुआ था? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो था प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हम लोग देखे, तो फाइनली हम लोग जितना पढ़े इसको एक बार समअप करते हैं और फिर इसके आगे कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइनली हम लोग एक बार समअप कर रहे हैं, क्या क्या देखे हैं देखते जाओ। पहले हम लोग देखे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किससे डिराइव हुआ, तो आंसर क्या दिया हम लोग? इट इज डिराइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लेयर की बात कर रहे थे, डर्मेटोजेन से डिराइव हुआ। सेकंड पॉइंट पे हम लोग क्या देखे? एपिडर्मिस कहाँ मिला? एक कॉन्टिन्यूअस मिला, लेकिन कॉन्टिन्यूटी कहाँ ब्रेक हुई? तो कहेंगे ये ब्रेक हुई इन स्टोमाटा। फिर हम लोग देखे सेल कैसा था, तो कहे सेल क्लोजली फिटेड था। कितना क्लोजली फिटेड था? इतना ज्यादा कि बीच में कोई स्पेस नहीं दिख रहा था, सो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। और फिर इसके लेयर की बात करने लगे तो क्या कहते हैं? मोस्टली एक ही लेयर का बना हुआ था, सिंगल लेयर था, लेकिन फिर यहां पे आएंगे और रुकेंगे, एक एक्सेप्शन, क्या मल्टीपल एपिडर्मिस कहां कहां मिला, है ना? तो ये फिर क्वेश्चन बैनियन, ओलियंडर और इंडियन रबर प्लांट में, इंडियन रबर प्लांट, बैनियन और ओलियंडर में मल्टीपल एपिडर्मिस मिला, एक से ज्यादा लेयर मिला एपिडर्मिस का। नेचर में कैसा होगा? नेचर में दे आर ऑलवेज पेरेन्काइमेटस, ज्यादातर केस में ये पेरेन्काइमा का बना है। और सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल है, वैक्यूल के बारे में अभी भी बताए, वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को रखा गया है, और इसके अंदर के कंटेंट का नाम क्या रखते हैं? सेल सैप। क्या मिला और क्या नहीं मिला इस एपिडर्मल टिश्यू में? कलर पिगमेंट मिल सकता है, जैसे एंथोजाइनिन मिल सकता है ना? हम लोग बोले क्रोमोप्लास्ट मिल सकता है, लेकिन क्या नहीं मिला? तो कहे क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं मिला। फिर आते हैं हम लोग एपिडर्मल सेल सून डाई ऑफ, धीरे धीरे ये डेथ हो जाता है इसका, और इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है और ये स्टिफ हो जाता है, जैसे इसमें टैनिन, सिलिका और गम्स का पार्टिकल आके डिपॉजिट हो जाता है। पूरे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्लोरोफिल नहीं मिला, लेकिन जब हम लोग ये कहेंगे कि क्या कोई एक्सेप्शन है, तो तू आंसर क्या दोगे? यस, इन गार्ड सेल, स्टोमाटा को गार्ड करने वाले सेल में क्या मिल रहा था? स्टोमाटा को गार्ड करने वाले सेल में क्लोरोफिल मिल रहा था। तो नॉर्मली क्लोरोफिल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट स्टोमाटा, और स्टोमाटा में भी कहां पे मिला? ये गार्ड सेल में मिला। फाइनली फिर हम लोग आ गए इधर कि द इनर एंड रेडियल वॉल, कौन सा वॉल थिक है? क्वेश्चन आ सकता है, ये देखो दो वॉल है, बाहर वाला आउटर वॉल के अंदर से कुछ वैक्सी लेयर का कोटिंग है। क्यों है ये समझा चुके? क्योंकि प्लांट को धूप में खड़ा रहना है, इसको भी सनस्क्रीन लोशन की जरूरत है, और ये अपने ही बॉडी से बनाए हुए सनस्क्रीन लोशन किसको किसको? आइदर क्यूटीन और सुबेरीन का डिपोजिशन कर लेता है। फाइनली क्यूटिकल के, क्यूटिकल
क्यूटीन के लेयर के डिपोजिशन का नाम देते हैं क्यूटिकुलराइजेशन, है ना, या सुबेराइजेशन, और क्यूटिनाइज्ड लेयर को क्यूटिकल भी बोला गया। फाइनली जब ये वैक्सी लेयर का कोटिंग आके डिपॉजिट हो गया तो ये किसको चेक करना शुरू किया, लॉस ऑफ वाटर को चेक करना शुरू किया। फिर हम लोग कहते हैं जब ये थोड़ा ठीक हो जाता है तो ये मैकेनिकल इंजरी से भी प्लांट को बचा लेता है। अगर छोटी मोटी इंजरी होती है, धक्का लगता है, तो ये उससे इसको प्रोटेक्ट करता है। और फाइनली बाहर से पोटेंशियल पैरासाइट भी अंदर नहीं आ पाता है। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, बॉडी से कभी कभी आउटग्रोथ निकलेगा। कैसा आउटग्रोथ, तो हेयरी आउटग्रोथ निकलेगा। इस हेयरी आउटग्रोथ को नाम क्या दिया गया, ट्राइकोम। और हमने क्या कहा, ट्राइकोम और हेयरी स्ट्रक्चर एक सेल का बना हो सकता है, टर्म यूज करेंगे यूनिसेलुलर, और एक से ज्यादा सेल का बना हो सकता है, टर्म यूज करेंगे मल्टीसेलुलर। फाइनली स्टिंगिंग हेयर, चुभने वाला हेयर मिल सकता है एपिडर्मिस में। किस प्लांट में, प्लांट का नाम बिल्कुल याद रखना है, इसको का नाम है नेटल्स, है ना। नेटल्स के केस में वी हैव स्टिंगिंग हेयर, अगर ये पत्ता बॉडी में लग जाए तो चुभता है, इरिटेशन होता है, और ये इसके अंदर मिलने वाला नीडल्स टूट जाता है और इरिटेशन होता है, लाल खुजाना शुरू हो जाता है। फाइनली सम प्लांट्स में ग्लैंडुलर हेयर मिल रहा है, ये क्वेश्चन फिर आया हुआ, हमने कहा बोरेविया एंड टोबैको के प्लांट में ये कैसे मिलेगा, ग्लैंडुलर हेयर मिला। एंड डेंस कोटिंग ऑफ हेयर, एक प्लांट है नेफेलियम, नेफेलियम में हमने क्या देखा, बहुत डेंस कोटिंग मिल रही है, बहुत ज्यादा एक ही जगह पे ये कवरिंग मिल रहा है। अब इसके बाद के नेक्स्ट पॉइंट को फिर हम लोग पहले बोर्ड वर्क करते हैं और फिर हम लोग समझाना शुरू करते हैं।